हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई, मीन्स यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, ए डी सी ई, और एल्टीट्यूड्स मीन्स यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मीन्स ए बी सी में दो एल्टीट्यूड्स हैं ए डी एंड सी ई, तो एल्टीट्यूड्स रहेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये दोनों एल्टीट्यूड जब इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स ये ए डी यहाँ फॉर्म हो रहा है और सी ई यहाँ फॉर्म हो रहा है, और ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर, देन शो दैट। तो यहाँ पर हमको चार पार्ट में दिया हुआ है, अभी इसके हमने दो पार्ट लिए हुए हैं, तो हमको शो करना है, फर्स्ट है ए ई पी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। तो हम फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें ए ई पी सी डी पी, तो यहाँ से हम ए ई पी और सी डी पी निकालते हैं, तो ए ई पी मीन्स ये वाला, देन सी डी पी, सी डी पी मीन्स सी डी पी मीन्स एक ये वाला हमारा ट्राइंगल रहेगा और दूसरा ये वाला, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। एक बार और देखें ए ई पी सी डी पी, ए ई पी सी डी पी मीन्स एक ये ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या, हमारी कौन सी क्राइटेरियन, कितनी क्राइटेरियन सिमिलैरिटी लगती हैं, चार। फर्स्ट होती है एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, सेकंड होती है एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, मीन्स चार होती हैं। तो अगर हमको दो एंगल भी इक्वल मिल जाते हैं तो जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि अगर कोई भी दो ट्राइंगल है अगर उनमें दो एंगल सेम है तो थर्ड तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम तीनों का सम फाइंड करते हैं, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल का सम फाइंड करते हैं तो वो कितना होता है, 180, तो जो भी थर्ड एंगल होगा वो तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी एंगल 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 क्राइटेरियन सिमिलैरिटी के सेम होती है। तो यहाँ पर आप देखें, हमको यहाँ पर ऐसे दो चीज़ें देखनी है, तो क्योंकि यहाँ देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं ए ई पी और सी डी पी में, तो ये देखें ए ई पी सी डी पी, तो इन दोनों में कॉमन चीज़, तो यहाँ पर देखें ये क्या है आपका सी ई एल्टीट्यूड है, मीन्स यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, इट मीन्स ये जो आपका ए ई पी है ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। देन सी डी पी, क्योंकि ये भी एल्टीट्यूड है, मीन्स ये भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 का, तो मीन्स यहाँ पर दो दो सेम एंगल हैं, एक इसमें और एक इसमें, जो कि काय का है, 90 डिग्री का, मीन्स यहाँ पर ये रहेगा राइट एंगल। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ यहाँ क्या है, ए ई पी सी डी पी, एंगल ए ई पी 90 डिग्री का है, एंगल सी डी पी ये भी 90 डिग्री का है, बट 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड है सी ई ओवर ए बी और यहाँ पर है ए डी ओवर बी सी, तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स पर है इसलिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। देन अब यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल है आपका पी ए पी ई सी पी डी मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इस तरह से क्रॉस करती हैं तो उसका ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये जो दो लाइन है ये क्रॉस कर रही है पी पॉइंट पे, मीन्स ये जो वर्टेक्स है पी, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिखेंगे ए पी ई सी पी डी। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको कितने एंगल इक्वल मिल गए हैं, टू, एक तो 90 डिग्री का है और जो दो एंगल सेम है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स अगर इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर हमारे दो एंगल सिमिलर मिल गए, इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में कौन कौन से ट्राइंगल हमको गिवन है, ए बी डी सी बी ई, तो यहाँ देखते हैं ए बी डी सी ई बी, ए बी डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल आपका, इसको छोड़ के जो नीचे वाला ट्राइंगल है ए बी डी, और क्या है सी बी ई, तो यहाँ से सी बी ई मीन्स, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ट्राइंगल देखें ए बी डी, तो ए बी डी जिसमें हमने वाइट कलर की अंडरलाइन की हुई है,
तो ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, और सेकंड है सी बी ई, तो सी बी ई को देख लेते हैं। तो सी बी ई क्या हुआ, सी बी ई मीन्स ये जो पार्ट है ये दोनों में क्या है, सिमिलर, सेम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देखें ए बी डी और सी सी ई बी, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है आपका सी ई बी, ये 90 डिग्री का है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड है सी ई, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, 90 डिग्री का। देन अगर आप ए बी ई की बात, ए बी डी की बात करते, तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो हमारा एंगल है ये कितने का है, 90 का। इट मीन्स कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी और सी ई बी, ये दोनों कितने के हैं, 90 के। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा, तो एक एंगल इस ट्राइंगल का और एक एंगल इस ट्राइंगल का, दोनों के 90 डिग्री के हैं। कैसे, हमको कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ, ए बी डी, एक ये ट्राइंगल है इतना वाला ए बी डी, और दूसरा क्या है सी सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों में सेम चीज़ देखें, तो सी ई बी ये 90 डिग्री का है, क्योंकि सी ई एल्टीट्यूड है। देन ए बी डी में देखें तो ए डी एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा ए डी बी 90। तो ए डी बी 90 है और सी ई बी 90 है, तो ये दोनों 90 के होगा, इक्वल होगा, एक एंगल अब हमको मिल गया। अब इन दोनों में देखें, ये जो एंगल बी है ये दोनों में है कॉमन। अब आप देखें यहाँ पर ए बी सी, इस ट्राइंगल के लिए देखें तो ई बी सी इस वाले ट्राइंगल के लिए, और इस वाले ट्राइंगल के लिए देखेंगे तो ये आएगा डी बी ए। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जिन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है उनको हमने यहाँ पर अलग से ड्रॉ करा। आप देखें तो ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी और डी पे बन रहा 90 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। देन सेकेंड है सी बी ई, सी बी ई, तो सी बी ई ये ड्रॉ कर लिया, दोनों अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों में हमने पहला एंगल लिखा 90 डिग्री का, कौन सा, ए डी बी 90, और यहाँ पर सी ई बी 90, तो ये दोनों लिख लिए ए डी बी सी ई बी। देन अब दूसरी चीज़, यहाँ पर देखें जो बी है ये दोनों में है, क्योंकि यहाँ सी ई और यहाँ ए डी कॉमन क्या है, बी, मीन्स बी एंगल क्या है दोनों में कॉमन, तो डी बी ए सी बी ई, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, कॉमन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से हमको इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम मिल गए, मीन्स यहाँ पर भी एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी अप्लाई होगी। बस आपको ये चीज़ देखना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप क्या करें कि जिस ट्राइंगल, पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात हो रही है, आप उसको इस तरह से अलग से ड्रॉ कर लें और देन उसमें देख लें कि सिमिलैरिटी क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा कौन सा ट्राइंगल था, ए बी डी, तो ए बी डी और डी 90 का था, तो डी 90 का ड्रॉ कर लिया। देन सी ई बी, तो सी ई बी या फिर सी बी ई, तो सी बी ई, इसमें ई हमारा 90 का था, तो ई हमने 90 का ड्रॉ कर लिया। देन इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने वहाँ पर लिख दिया ए डी बी इक्वल्स टू सी ई बी, सी ई बी 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। देन ये जो बी है, क्योंकि यहाँ देखें डी ए और यहाँ सी ई अलग अलग हैं, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, बी, तो हमने लिख दिया डी बी ए या फिर ए बी डी, तो ए बी डी इक्वल्स टू सी बी ई, सी बी ई, ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, तो हमने लिख दिया कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर भी कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी, एंगल एंगल। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया, अब हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड में कौन कौन से ट्राइंगल दिए हुए हैं, ए ई पी ए डी बी, तो यहाँ से देखते हैं ए ई पी मीन्स ये छोटा वाला, और ए बी डी, ए बी डी मीन्स यहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल हैं, एक तो ये है ए ई पी छोटा वाला, देन ए बी डी ये कंप्लीट बड़ा, मीन्स कौन कौन से ट्राइंगल हैं यहाँ पर, इतना जो पार्ट है मीन्स नीचे वाला पार्ट, इसमें ही दो ट्राइंगल हैं ए ई पी ए बी डी, इन दोनों को यहाँ पर लिया हुआ है और हमको इन दोनों को प्रूफ करना है सिमिलर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखें ए ई पी मीन्स ये जो एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का। देन ए बी डी की बात हो रही है, तो ए बी डी में एक एंगल ये है 90 डिग्री का, मीन्स ए डी बी, तो इन दोनों में एक एक एंगल 90 का है, ए ई पी में ए ई पी है
और ए बी डी में ए डी बी है 90 डिग्री का, क्योंकि जब ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90 का होगा, और इसमें ये एंगल 90 का है तो इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिखा, ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल हो रहा है हमारा, ए ई पी, ये छोटा वाला जो एंगल है ए ई पी, ये छोटा वाला, देन ए डी बी, तो ए डी बी मीन्स इतना पूरा जो एंगल है ये वाला, इन दोनों को हमको प्रूव करना है सिमिलर। तो एक एंगल तो मिल गया हमको ए ई पी 90 डिग्री का, और इस बड़े वाले में ए डी बी 90 डिग्री का, तो दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ए परपेंडिकुलर टू ए बी। देन दूसरी चीज़ देखते हैं, तो ए ई पी और ए डी बी, इन दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखें दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ए से, ए ई पी ए डी बी मीन्स कौन सा एंगल सिमिलर है दोनों में, कॉमन है ए, तो ए कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब ए कॉमन कैसे आएगा, ए ई पी के लिए, छोटे वाले अगर ट्राइंगल के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, ई ए पी, तो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, ई ए पी, क्योंकि ये छोटा एंगल है, छोटा ट्राइंगल। अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, बड़ा वाला ट्राइंगल है ए डी बी, तो इसके लिए ए कैसे होगा, बी ए डी, तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है, बस छोटे वाले के लिए ई ए पी हो जाएगा, बड़े वाले के लिए बी ए डी हो जाएगा, तो दोनों क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इसीलिए यहाँ पर देखें दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पर एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो हमारे जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना था ए ई पी और ए डी बी ये दोनों सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल आ गए हैं दोनों ट्राइंगल से, इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर, और हमको यही प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखें पी डी सी बी ई सी, तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि ये कहाँ है, पी डी सी, पी डी सी ये ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल, बी ई सी, बी ई सी मीन्स, अब इस बार क्या हुआ है, कौन सा ट्राइंगल लिया हुआ है, पी डी सी ये छोटा वाला, एंड सेकेंड है बी ई सी, तो बी ई सी मीन्स छोटा वाला है ये, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें ये एरिया तो आ ही रहा है, साथ में ये भी आ रहा है, मीन्स ये दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलर क्या, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, तो जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है, बी ई सी, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और जो छोटा ट्राइंगल है हमारा पी डी सी, इसमें भी एक 90 डिग्री का, क्योंकि देखें यहाँ पे तो ए डी एल्टीट्यूड है, मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, छोटा वाले ट्राइंगल में आ रहा है ये, मीन्स पी डी सी 90 का है, और बड़े वाले ट्राइंगल में बी ई सी 90 का है, तो दोनों में एक एक ट्राइंगल 90 डिग्री का है, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल हैं पी डी सी बी ई सी, पी डी सी क्या है, पी डी सी ये ऊपर वाला, और बी ई सी ये बड़ा वाला, इन दोनों में सिमिलर चीज़ें देखना है हमको, तो पी डी सी ये 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन बी ई सी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के, और इक्वल हो जाएंगे। अब क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड है और सी ई भी एल्टीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन अब दोनों में आप देखें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, तो यहाँ पर देखें तो पी डी सी बी ई सी मीन्स ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, बट छोटे वाले के लिए देखें पी डी सी के लिए तो एंगल क्या बनेगा, पी सी डी, क्योंकि जिस एंगल को हम लेते हैं उसको हम बीच में रखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ देखें डी बीच में लिया है हमने, पी और सी इधर लिया है, तो डी बीच में क्यों लिया है, क्योंकि एंगल डी को हमको लेना है, तो इस एंगल को लेंगे तो हम लेंगे पी डी सी, इसलिए हमने डी को बीच में लिया। इसके अलावा अगर हमको ई को लेना है, बट ई के साथ यहाँ पर भी एक एंगल आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो साइड से ये बन रहा होता है हम उन साइड को इसके साथ ले लेते हैं। कैसे, अब ई किससे बन रहा है, बी ई से, मीन्स सिर्फ इतना ई, और सी ई से, इसलिए हम लेंगे सी ई बी या फिर बी ई सी, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, ये आधा इधर भी डिवाइड है आधा इधर भी डिवाइड है, इसलिए जितना पार्ट हमको लेना होता है उसके जो एंड पॉइंट होते हैं उनको हम लेते हैं। जैसे कि इतना एंगल हमको लेना है, सपोज करिए इतना, तो ये यहाँ कहाँ आ रहा है, ये कहाँ किस पॉइंट पे आ रहा है, बी पे, और ये कहाँ आ रहा है किस पॉइंट पे आ रहा है, सी पे, इसलिए बी और बीच में लेंगे ई और सी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज़ है, तो कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है दोनों जगह, बट अगर देखें तो छोटा वाला जो ट्राइंगल है हमारा पी डी सी,
इसमें ये कौन सी साइड से बन रहा है, सी डी से और सी पी से, इसलिए या तो पी से स्टार्ट करेंगे या डी से, पी सी डी। एंड जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके लिए लेंगे तो ये कौन सी साइड से बन रहा है एंगल सी, सी ई से और सी बी से, इसलिए या तो बी से स्टार्ट करेंगे या ई से, तो ये हो जाएगा बी सी ई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इसलिए कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर भी दो एंगल सेम आ गए हैं दोनों ट्राइंगल में, इसलिए यहाँ पर भी लगेगी एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर क्योंकि दो एंगल सिमिलर आ रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसीलिए देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग, ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, देन क्या बोला गया, ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मीन्स जो ए डी साइड है इसको हमको आगे इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी को यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा इस साइड ए डी को, क्योंकि इस साइड ए डी पे कौन सा पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है, ई। तो यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट है ई। देन क्या बोला गया है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी, तो बी ई मीन्स यहाँ पर हमको बी ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ मीन्स ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट कौन सा है हमारा, एफ। और यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी ई कौन सा ट्राइंगल है, ए बी ई मीन्स ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए बी ई सिमिलर सी एफ बी, सी एफ बी मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है हमको। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर क्या बोला गया है, ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ए डी को और आगे प्रोड्यूस करके पैरेललोग्राम की जो साइड ए डी है इसको और आगे प्रोड्यूस करना है, तो हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, ई। देन बी ई इंटरसेक्ट कर रही है सी डी पर, किस पॉइंट पे, एफ पे, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो जो हमको गिवन है वो हमने लिख लिया कि एक पैरेललोग्राम है, देन ए डी को प्रोड्यूस करके यहाँ पे ई पॉइंट हमको मिल रहा है, देन बी सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एफ पे। देन क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम है इसलिए इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर सी ए के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी ई सी एफ बी ये दोनों क्या हैं, सिमिलर। तो प्रूफ करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी। तो प्रूफ में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया है और हम यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे कि इनमें सिमिलर चीज़ें क्या हैं। तो ए बी ई सी एफ बी, ए बी ई ये ऊपर वाला है और सी एफ बी नीचे वाला। अब पहली बात तो ये कि ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम, मीन्स यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इसकी क्या होती हैं, पैरेलल, मीन्स ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। देन अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो अगर हम इसको आगे और बढ़ा देते हैं तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आप देखें ये पैरेलल लाइन से यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन, तो मींस ये दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है। इट मींस इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। और अल्टरनेट एंगल कहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, एक यहाँ ड्रॉ हो रहा है और एक यहाँ, क्योंकि जब भी इस तरह से जेड बनता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और तो इस तरह से आपका जेड बन रहा है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ए डी बी सी के पैरेलल, तो अगर ए डी को हम और आगे बढ़ा भी देते हैं तो भी ये पैरेलल ही रहेगी लाइन। तो ए ई पैरेलल है बी सी के, इसीलिए ये जो एंगल है ए ई एफ या फिर ए ई बी किसके इक्वल होगा, सी बी एफ के, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, इसका रीज़न लिख दिया कि सिंस ए ई पैरेलल बी सी अल्टरनेट एंगल, तो ए ई पैरेलल बी सी है इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट एंगल। देन
अब ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये, इन दोनों में एक और चीज़ हमको सेम देखनी है। देखें तो यहाँ पर देखें एंगल ए यहाँ आ रहा है एंगल सी, और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं किसके, इस पैरेललोग्राम के। मीन्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं, इसीलिए जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा। और एंगल ए किस में आ रहा है, बी ए डी, बी ए ई या फिर ई ए बी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये इस ट्राइंगल में आ रहा है ए और इस ट्राइंगल में आ रहा है सी, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं सी इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए बी ई और सी एफ बी, इन दोनों में दो एंगल इक्वल आ गए। मीन्स यहाँ पर एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल आ गए हैं, इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। और हमको यहाँ पर यही प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग इन फिगर 6.39 ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी ए एम पी। तो यहाँ देखें ए बी सी ए एम पी, ये दोनों हैं राइट ट्राइंगल्स, इसलिए ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, बी और एम, तो बी यहाँ बीच में है, मीन्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर एम बीच में है, मीन्स एम पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बट यहाँ पर फिर भी दिया हुआ है कि राइट एंगल्ड एट बी एंड एम, मीन्स बी पर और एम पर ये राइट एंगल हैं रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ए एम पी, मीन्स ए बी सी और ए एम पी ये दोनों क्या है, सिमिलर, सिमिलर का साइन लगा हुआ है। और इसके अलावा सेकंड दिया हुआ है सी ए ओवर पी ए, सी ए ओवर पी ए इक्वल्स टू बी सी ओवर एम पी, बी सी ओवर एम पी, मीन्स यहाँ पर जो वो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशो इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर, तो दो साइड्स का रेशो गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट में क्या है, ए बी सी ए एम पी, मीन्स ये जो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी ए एम पी, इन दोनों को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी ए एम पी, ए बी सी ए एम पी, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास चार क्राइटेरियन सिमिलैरिटी होती है, एंगल एंगल, सेकंड एंगल एंगल एंगल, थर्ड साइड साइड साइड, फोर्थ साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर देखें पहली चीज़ तो हमको एंगल मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ए बी सी ये भी 90 का है, ए एम पी ये भी 90 का है, तो दोनों 90 के हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो एक चीज़ तो हमको सेम मिल गई कि यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के हैं, ए बी सी का ये वाला एंगल और ए एम पी का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। देन सेकंड देखें तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी ए एम पी, मीन्स ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर ए बी सी के लिए देखें तो ये क्या है, बी ए सी, और ए एम पी के लिए देखें तो ये क्या है, एम ए पी। तो ए जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी इन दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम आ गए, और दो एंगल भी अगर हमको सेम मिल जाते हैं, इट मींस क्या होता है कि एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर देखें तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, मीन्स फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोला गया है कि ये जो दो ट्राइंगल हैं आप देखें सी ए ओवर पी ए, तो यहाँ पर सी ए ये वाली साइड ओवर पी ए, मीन्स जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों ट्राइंगल का, उन दोनों साइड्स का यहाँ पर रेशो है इक्वल बी सी ओवर एम पी, तो बी सी ओवर एम पी, एम पी मीन्स जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ देखें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हो गया बी सी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एम पी, मीन्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल प्रूफ करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल कब होता है, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों। तो कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है, ए बी सी ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तभी रेशो सेम होगा, और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ हम अभी कर चुके हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए बी सी सिमिलर ए एम पी, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा कि जो सारे के सारे साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की, इनका रेशियो क्या होगा, सेम, सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसीलिए सी ए ओवर पी ए इज इक्वल्स टू बी सी ओवर एम पी, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल
EGF, such that D and H lie on the sides AB and FE of ABC and EFG. तो दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, EFG. तो सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी हमको कि जिस तरह से हमको साइड्स गिवन है, जो पॉइंट्स गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारे जो ट्राइंगल्स हैं उनको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप देखें ट्राइंगल ABC, ABC के लिए क्या साइड दी है, AB, और AB पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, D. तो ट्राइंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया. पहला है हमारा ABC, जिसमें ACB का बाइसेक्टर है. यहाँ पर हमको गिवन है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EFG. तो ACB की बात करें तो ACB के लिए बाइसेक्टर है CD, मीन्स ACB का बाइसेक्टर है CD. और क्या गिवन है हमको, D पॉइंट किस साइड पे गिवन है, AB पर. तो AB पर D पॉइंट है. और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कि साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो CD बाइसेक्टर है AB का, इट मींस AD इक्वल्स टू DB. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर हमको बाइसेक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल्स टू ये भी हमको गिवन है. देन आगे देखते हैं EFG. EFG के लिए बाइसेक्टर है GH और साइड क्या बोला है हमको, FE. तो यहाँ AB, तो AB और बोला FE, मींस FE. और EFG, तो EFG, EGF, इसका बाइसेक्टर है GH, इट मींस ये इसका बाइसेक्टर, इसका मतलब FH इक्वल्स टू HE. ये हमको इस क्वेश्चन में गिवन है. देन आगे क्या बोला गया देखते हैं. ये तो हमने कंप्लीट कर लिया कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर. तो बाइसेक्टर है ACB के, तो ACB का बाइसेक्टर है CD. एंड EGF, EGF का बाइसेक्टर है GH, GH. देन सच दैट D एंड H lie on the side AB and FE. D AB पर है, H FE पर है. देन रिस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर एफ ई जी. अगर जो ट्राइंगल है आप देखें तो यहाँ पर क्या गिवन है, ए बी सी, ए बी सी, जिस तरह से ये हमारा फ्लो जा रहा है उसी तरह से इस फ्लो को हमको ले जाना है, ए बी सी. तो ए बी सी एफ ई जी मीन्स जो हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया वो राइट है. जो दो ट्राइंगल है इनको सिमिलर दिया हुआ है, तो कौन कौन से, ए बी सी, एफ ई जी. तो ए से स्टार्ट हो रहा है बी सी, देन स्टार्ट हो रहा है एफ से एफ ई जी. तो इन दोनों को सिमिलर दिया हुआ है हमको, और हमको प्रूफ करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों हमको प्रूफ करना है. तो अगर दो ट्राइंगल हमको सिमिलर गिवन हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल रहेंगे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है. तो यहाँ पर क्योंकि हमको ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर गिवन है, इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू जी हो जाएगा. और अगर इनका हम यहाँ देखें तो इक्वल्स टू किस तरफ और इस तरफ अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो भी वो इक्वल ही रहेगा. इट मींस ये बाइसेक्टर है, इस यहाँ पर जो हमारा एंगल है ए सी बी, इसका बाइसेक्टर है. इट मींस क्या हो रहा है कि ये दो इक्वल पार्ट्स हैं. तो अगर ये पार्ट, इसका हाफ पार्ट सी इसके हाफ पार्ट जी के इक्वल होता है, इट मींस ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो हम इनको नाम दे देते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जो वन है ये थ्री के इक्वल होगा और टू है वो फोर के इक्वल होगा. अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सिमिलर, इसलिए इतनी चीज़ तो हमको गिवन है. अब हम जाते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे जो हमको प्रूफ करना है. फर्स्ट में क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, सी डी जी एच, सी डी जी एच. मीन्स यहाँ पर हमको क्या गिवन है, बाइसेक्टर है ये. तो बाइसेक्टर ओवर बाइसेक्टर मीन्स इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ए सी ओवर एफ जी. ए सी मीन्स ए सी ओवर एफ जी. तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, आप देखें, सी डी ओवर जी एच, ए सी ओवर एफ जी. मीन्स ये जो नीचे का जो ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है हमारा ए डी सी, इसमें से और एफ एच जी नीचे वाले ट्राइंगल में से. तो इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनका रेशो सेम प्रूफ करना है हमको. मीन्स यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि रेशो रेशो किस साइड्स का है. तो सी डी ओवर जी एच, इट मीन्स सी डी ओवर जी एच और ए सी ओवर एफ जी. तो ये दोनों साइड्स कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, आप देखें तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा छोटा वाला,
इस ट्राइंगल से आ रही हैं, तो यहाँ का छोटा वाला ट्राइंगल और यहाँ का छोटा वाला ट्राइंगल, इन दोनों की जो साइड्स हैं ये हमको प्रूफ करना है कि ये क्या होंगे, प्रपोर्शनल, मीन्स इनका रेशो क्या होगा, सेम। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तभी ये पॉसिबल है कि इनकी साइड्स का रेशियो सेम हो। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ए डी सी और एफ एच जी, इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो ये चीज़ भी अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारा, डी सी ए एच जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होता है। तो इन दोनों को ले लिया हमने, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड एच जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी होंगी जो कि इन दोनों ट्राइंगल में सेम हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें जो हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग, अगर ए डी सी ए की बात करें और एच जी एफ की बात करें तो एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल ए और एफ इक्वल हैं कहाँ से, गिवन से। ये गिवन में क्या ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो ए इक्वल्स टू एफ, बी इक्वल्स टू ई, सी इक्वल्स टू जी। तो ए और एफ कहाँ आ रहे हैं, हमारे इस ट्राइंगल में आ रहे हैं और इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। डी सी ए में ए आ रहा है, एच जी एफ में एफ आ रहा है, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल। देन इसके अलावा अब यहाँ पर देखें तो इसमें एक एंगल आ रहा है वन, इसमें एक एंगल आ रहा है थ्री, और वन और थ्री भी इक्वल है। ये हम लिख चुके हैं पहले ही कि वन इक्वल्स टू थ्री, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड से, सेकंड से वन और थ्री क्या है, इक्वल। क्योंकि अगर इन एंगल्स का हाफ भी करते हैं तो वो भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से हमने लिखा वन और थ्री इक्वल है। तो ये कहाँ से आया, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में हमको मिल गया ए इक्वल्स टू एफ, और इक्वेशन सेकंड में मिल गया वन इक्वल्स टू थ्री। मीन्स यहाँ पर दो एंगल सेम आ गए इन दोनों के, तो दोनों ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं। इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो गए, सिमिलर। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स की, मीन्स ये जो है डी सी ए ये छोटा वाला और एच जी एफ ये छोटा वाला, इन दोनों की साइड्स का प्रपोर्शन जो है वो हमको बताना था कि ये जो साइड्स हैं ये प्रपोर्शन में, मीन्स सेम रेशियो में। तो इसके लिए क्या, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी इनका प्रपोर्शन सेम होगा। इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को लिया डी सी ए और एच जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से। ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या हुआ, इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो सो रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए सी डी ओवर जी एच ए सी ओवर एफ जी। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाला है डी सी बी एच जी ई। तो डी सी बी एच जी ई सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं। डी सी बी मीन्स ऊपर वाला, एच जी ई मीन्स इसमें भी ऊपर वाला, मीन्स इसमें यहाँ पर देखें तो ये वाला ट्राइंगल इन दोनों को सिमिलर बताना है। तो यहाँ देखें बी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, कहाँ से, बी इक्वल्स टू ई, ये हम लिख चुके हैं। क्योंकि ये दो ट्राइंगल हैं पूरे पूरे, ये क्या है, सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं इसलिए इनका एंगल बी और ई क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बी और ई तो इक्वल हो गए। अब इस ट्राइंगल में एक एंगल है टू और इसमें है फोर, तो टू और फोर भी इक्वल होंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकंड से। क्योंकि अगर इनका हाफ भी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल टू इक्वल्स टू फोर। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ गए, मीन्स फिर से बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो एंगल सिमिलर आ गए, सेम आ गए। इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ट्राइंगल डी सी बी और एच जी ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड। देन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है डी सी ए एच जी एफ। तो आप देखें यहाँ पर इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थ्री, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, इसको थ्री दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें हमको क्या प्रूफ करना है, डी सी ए सिमिलर एच जी एफ, और डी सी ए सिमिलर एच जी एफ ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्योंकि यहाँ पर इसके रेशियो को सेम बताना था, और रेशियो सेम तभी होगा जब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड प्रूफ्ड थर्ड। तो यहाँ पर जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया था तभी इनके रेशियो इक्वल आते हैं इनके साइड्स के। तो यहाँ साइड्स को रेशियो प्रूफ करने, रेशियो को इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को हम पहले ही सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। तो इक्वेशन थर्ड से यहाँ पर हमारा थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग इन फिगर 6.40, इन दिस फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। तो सी बी पे एक पॉइंट है ई,
प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी विद ए वी इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पर आइसोसेल्स ट्राइंगल है, मीन्स इसकी दो साइड इक्वल होंगी, हमको गिवन है ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल हैं। देन पैरेलल दिया हुआ है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी मीन्स बी सी पे ए डी परपेंडिकुलर है, और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ मीन्स ये जो नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है ये, और यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हमको गिवन है हम उनको लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रूफ करते हैं चीज़ों को तब हमको उनकी वहाँ पर ज़रूरत लगती है। तो यहाँ पर हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी हमको इक्वल है। तो ए बी और ए सी इक्वल है, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट में है सी, ए सी के अपोजिट में है बी, मीन्स ये जो एंगल बी है और ये एंगल सी है, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। तो यहाँ पर हमने लिखा है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। देन ये हो गया। देन और क्या चीज़ें दी हुई है हमको, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ए डी बी इक्वल्स टू ए डी सी इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। देन ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, इसलिए ई एफ सी इक्वल्स टू ई एफ ए, ये दोनों ही 90 के होंगे, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि 90 डिग्री का एंगल है। देन अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी बी सिमिलर ई सी एफ। तो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। इसलिए हम जब प्रूफ करेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो सिमिलर हों, अगर सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ये ट्राइंगल और ई सी एफ, तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देखें तो ए बी डी में ए डी बी 90 का है और ई एफ ई सी एफ में ई एफ सी 90 का है, मीन्स इन दोनों में 90-90 के एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ई एफ सी ए डी बी, ई एफ सी क्योंकि ये 90 का तो ये भी 90 का, और ए डी बी ये 90 का तो ये भी 90 का, तो ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री के, इसलिए ये होगा इक्वल। देन एक चीज़ और, अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें ए डी बी की, तो इसमें एंगल बी है और ई एफ सी की बात करें तो इसमें सी है, और गिवन में हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी और सी क्या है इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल हैं और दो साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल आ गए हमारे दोनों ट्राइंगल में, इसका मतलब हमको यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है, और सिमिलर प्रूफ हो गया है क्योंकि यहाँ पर दो एंगल सेम आ गए हैं, और दो एंगल सेम आ गए हैं इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो यहाँ पर सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी ए बी डी सिमिलर ई सी एफ। तो यहाँ पर हमको यही प्रूफ करना था, ए बी डी सिमिलर ई सी एफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.3 से। तो इसके अगले वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।